हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाने वाला हूँ। मैं आपको अपना स्टूडियो पूरी डिटेल में दिखाऊंगा कि मैं अपनी वीडियो शूट कैसे करता हूँ, मैं अपनी वीडियोस को एडिट कैसे करता हूँ और मेरा ड्राइंग टेबल एंड माय ड्राइंग टूल्स। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेरा जो स्टूडियो है वो कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, एक बहुत छोटा सा रूम है जिसके अंदर मैं अपनी सारी ड्राइंग्स बनाता हूँ। और मैं यहाँ पर अराउंड 2 ईयर से काम कर रहा हूँ और जितनी भी आपने मेरी ड्राइंग्स देखी होगी वो ज़्यादातर मैंने सारी इसी स्टूडियो में बनाई हुई हैं। और इस रूम की चारों वॉल्स बिल्कुल अच्छी तरह कवर्ड है। एक तरफ मेरा ड्राइंग टेबल है, एक तरफ मेरे सारे ड्राइंग टूल्स हैं, एक तरफ मेरा वॉली सेल है और एक तरफ मेरा कंप्यूटर टेबल है। सो सबसे पहले मैं आपको अपना ड्राइंग टेबल शो करता हूँ और अपना कैमरा सेटअप शो करता हूँ वहाँ पर, जिससे मैं अपनी ड्राइंग्स रिकॉर्ड करता हूँ। सो दिस इज़ माई मेन ड्राइंग टेबल। जितनी भी आपने मेरी ड्राइंग्स देखी होगी कलर्ड और ग्रेफाइट पेंसिल वाली, वो मैं इसी टेबल के ऊपर करता हूँ। एंड इट इज़ क्वाइट बिग, मतलब इसके ऊपर मैं A1 साइज़ की ड्राइंग बड़े आराम से कर सकता हूँ। तो इस टेबल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये टेबल बिल्कुल फ्लैट टेबल नहीं है, ये एक्चुअली थोड़े से एंगल के ऊपर है। एंड मोर ओवर ये टेबल एडजस्टेबल है। इस टेबल का जो एंगल है वो मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मेरे को जैसा भी एंगल चाहिए होता है मैं इस टेबल पर कर सकता हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी कम्फर्टेबल टेबल है। मेनली मैं इतने एंगल पर काम करता हूँ, ये मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगता है टेबल, उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा घंटों तक कॉन्टीन्यूसली मैं इधर काम कर सकता हूँ। सो भाई, ये तो हो गया मेरा ड्राइंग टेबल। अब मैं आपको अपना कैमरा सेटअप भी दिखा देता हूँ। ये है मेरा कैमरे का सेटअप जिससे मैं अपनी सारी ड्राइंग्स रिकॉर्ड करता हूँ। ये बेसिकली एक माइक स्टैंड है जिसके ऊपर मैंने कैमरा माउंट लगाया हुआ है और एक बॉल माउंट भी लगाया हुआ है, के लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे के सारे। और ये काफ़ी बढ़िया स्टैंड है, इतना एडजस्टेबल है। लाइक पहले मैं ट्राइपॉड यूज़ करता था, बट उनसे एक अच्छा कैमरा एंगल लेकर आना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके बाद एक बार एडजस्ट कर दिया तो उसको चेंज करना और भी टफ हो जाता है। बट ये वाले के अंदर काफ़ी इजी एडजस्ट करना, जैसे कि इसके ऊपर मैं अपना फ़ोन लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका कोई भी कैमरा एंगल लग सकता हूँ। अगर मेरे को साइड एंगल चाहिए मैं साइड पर कर सकता हूँ, अगर मेरे को ओवरहेड एंगल चाहिए एकदम टॉप से तो मैं इसको एकदम टॉप पर भी कर सकता हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा दूर दूर के एंगल भी काफ़ी इजीली ले सकता है। मोर ओवर इसकी एडजस्टेबिलिटी सबसे बढ़िया बात है, इसको कहीं पर भी काफ़ी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अभी भी मैं इसी वीडियो स्टैंड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अवेली वीडियो भी मेरे पास ऐसे 2 स्टैंड है जिनका मैं यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, और काफ़ी अच्छा स्टैंड है। आप इसके ऊपर माइक लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, फिर फ़ोन का कैमरा लगा सकते हैं। सो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा सा एक स्टैंड है जिसकी मैं रिकॉर्डिंग का यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर एक मेरी लाइट है जो मिरर के अंदर लगी हुई है, और एक लाइट, एक सॉफ्ट बॉक्स लाइट वहाँ पर है, और एक मेरे पीछे है जिनका भी मैं यूज़ करता हूँ। और मेरे ड्राइंग टेबल के बिल्कुल नीचे मेरे पास एक रैक है जिसके अंदर मैं काफ़ी सारा सामान रखता हूँ जो मैं डेली यूज़ नहीं करता। लाइक आई गॉट माय कंप्रेसर ओवर हेयर, कुछ कलर्स, ऑल्सो माई स्कैनर विच आई यूज़ फॉर स्कैनिंग माई ड्राइंग्स। सो ऐसा काफ़ी सारा सामान जो मैं रोज़ यूज़ नहीं करता वो सारा मैंने इस रैक के अंदर रखा हुआ है। एंड गाइस, ड्राइंग की फ़ोटोज़ लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ एक iPhone 7, एक iPhone 5S और एक Samsung Galaxy A5। दे आर क्वाइट ओल्ड फोन्स बट अच्छी लाइटिंग के साथ हम इनसे अच्छी इमेज दे सकते हैं। लाइक ये वाली जो इमेजेस हैं ये मैंने iPhone 7 से ली हैं। सो ये बेसिकली एक साइड हो चुकी है मेरे स्टूडियो की। अब मैं आपको अपने स्टूडियो की दूसरी साइड दिखाता हूँ, जो कि है मेरा सारे के सारे ड्राइंग टूल्स, वो बिल्कुल इस तरफ है। सो मेरा जो ड्राइंग टेबल है उसके बिल्कुल साथ में ही मेरे ड्राइंग टूल्स का टेबल है, जो कि मेरे चबे में पीछे है। ये वाले के ऊपर मेरी जितनी भी कलर्ड पेंसिल्स हैं, ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं, वो इस टेबल के ऊपर लगी पड़ी है, जैसा आप देख सकते हैं। और आप में से काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि ये वाला स्टैंड कहाँ से लिया आपने, जिसके ऊपर मैंने अपनी कलर्ड पेंसिल्स लगा के रखी। और ये स्टैंड बेसिकली मैंने कैसे लिया नहीं, मैंने खुद बनाया था। इस स्टैंड की वजह से मेरी पेंसिल्स काफ़ी ईजिली अरेंज हो पाती है। लाइक मेरे पास अभी यहाँ पे अराउंड 200 पेंसिल्स है और वो काफ़ी ईजिली अरेंज हो जाती है, तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है। और इस स्टैंड के टॉप पे मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कि ब्लेंडिंग स्टम, इरेजर, शॉर्पनर्स, एयरब्रश की कलर्स, टेप्स और भी ऐसे काफ़ी सारा सामान मैंने स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। और सबसे बढ़िया बात है ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये वाले स्टैंड के अंदर LED लाइट्स भी है,
अगर मैं यहाँ पे भी मेन लाइट ऑफ कर दूंगा तो आप एलईडी लाइट दे सकते हैं, और एलईडी लाइट्स के साथ और भी बढ़िया लगता है स्टैंड देखने में। और इस टेबल के बिल्कुल नीचे मेरे पास एक और छोटा सा टेबल है जिसके ऊपर मैं अपना ऑयल पेंटिंग का सारा सामान रखता हूँ, लाइक ब्रशेस, ऑयल ट्यूब्स, लिनसीड ऑयल, क्लीनिंग ऑयल, पेंटिंग नाइव्स, जितना भी मटेरियल ऑयल पेंटिंग के अंदर यूज़ होता है वो मैंने सारा मटेरियल इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। बिकॉज ये टेबल मेरे वॉल ईसल के बिल्कुल साथ में है तो यहाँ से मेरे को यूज़ करने में बहुत ईजी होता है। और इस टेबल के नीचे वाले सेक्शन में मैंने सारे एक्रेलिक कलर्स रखे हुए हैं बिकॉज एक्रेलिक कलर्स कई बार मैं कैनवास के ऊपर यूज़ करता हूँ। सो जितना भी ऑयल पेंटिंग वाला मटेरियल है वो सारा मैंने इस टेबल के ऊपर अरेंज करा हुआ है। सो गाइज ये था मेरा ड्राइंग टेबल विद ऑल माई ड्राइंग टूल्स, और इस टेबल के बिल्कुल साथ में है मेरा वॉल ईसल वेयर आई डू ऑल माई ऑयल पेंटिंग्स। सो गाइज जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वॉल ईसल की चार रॉड्स होती हैं जिसमें से दो रॉड्स वॉल के साथ फिक्स्ड होती हैं और बाकी की जो दो रॉड्स होती हैं वो एडजस्टेबल होती है, और उनकी हाइट हम चेंज कर सकते हैं अपनी पेंटिंग के हिसाब से। एडजस्टेबल रॉड्स की हाइट चेंज करने के लिए हमें बस उनके साइड से उनको लूज़ या टाइट करना होता है, लूज़ करके हम उनकी हाइट चेंज कर सकते हैं, और हाइट चेंज करने के बाद हम उनको फिर से टाइट कर देते हैं। सो जो एडजस्टेबल रॉड है उनमें से जो नीचे वाली रॉड है वो ज़्यादातर मैं फिक्स्ड ही रखता हूँ, और जो ऊपर वाली रॉड है उसकी हाइट चेंज करता हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको अपनी एक पेंटिंग लगा के दिखा देता हूँ इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसको साइड से लूज करूंगा, और उसके बाद मैं इसकी हाइट अपनी पेंटिंग के हिसाब से एडजस्ट करूंगा, और उसके बाद मैं बस अपनी पेंटिंग इसके ऊपर लगाऊंगा और ऊपर वाली रॉड को टाइट कर दूंगा। और इसकी जो एडजस्टेबल रॉड को बाद में हम टाइट कर देते हैं, उसके बाद पेंटिंग बिल्कुल फिक्स हो जाती है, और उसके बाद पेंटिंग बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी और हम इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ऑयल पेंटिंग करनी है और अगर आपको ईसल चाहिए तो आप वॉल ईसल को भी चूज कर सकते हैं। तो वॉल ईसल के बिल्कुल साथ में है मेरा कंप्यूटर टेबल जहाँ पर मैं सारा अपना एडिटिंग का काम करता हूँ। सो जैसा आप देख सकते हैं मैं पीसी के ऊपर काम करता हूँ। आई गॉट दिस पीसी इन 2019 एंड दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस पीसी। ये है एक राइजन 5 पीसी ऑन B450 गेमिंग मदरबोर्ड, 8GB रैम, 128 SSD, और इसमें GPU नहीं है बट फिर भी थोड़ी बहुत गेमिंग हो जाती है इस पीसी में। तो इस पे मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। सो ये है मेरे पीसी की स्पेसिफिकेशंस। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए, और ये दोनों सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो एंड फिल्मोरा। पहले मैं फिल्मोरा की बात कर लेता हूँ। इट्स क्वाइट ईजी सॉफ्टवेयर और ये काफ़ी फास्ट भी है, लाइक इसके अंदर सारी ट्रांजिशन अच्छी ऑलरेडी दी हुई हैं, इसके अंदर एडिटिंग हो जाती है बट इट्स अ बेसिक सॉफ्टवेयर। और अगर मैं प्रीमियर प्रो की बात करूं तो जौन सी भी चीज़ें फिल्मोरा के अंदर नहीं हो सकती वो सारे प्रीमियर प्रो के अंदर काफ़ी आराम से हो सकती हैं, और ये काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू फिल्मोरा। रिसेंटली मैंने प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो एडिटिंग ज़्यादा शुरू कर दी। अगर आपने अभी मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में थोड़ा चेंज आया। पहले मैं बस टाइम लैप्स ही बनाता था ड्राइंग के, बट अब मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से वीडियो को शूट और एडिट करता हूँ। सो यही है मेन दो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, और इनसे एक अच्छी वीडियो बन सकती है, बट मेनली ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सो दोनों सॉफ्टवेयर अच्छे हैं एंड यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस। आई ऑल्सो यूज़ अ वैकम पेन टैब, और ये काफ़ी बढ़िया पेन टैब है अगर हमको फोटो एडिटिंग या फिर डिजिटल पेंटिंग करनी हो। और मेरा जो मॉनिटर है वो HCL का मॉनिटर है। सो बस यही है मेरा मेन कंप्यूटर टेबल जहाँ पर मैं अपनी सारी एडिटिंग करता हूँ। Oh, 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 oh
मेरा स्टूडियो टूर। तो ये काफ़ी छोटा सा स्टूडियो है बट इसमें काफ़ी सारा सामान है और इधर ही मैं सारा काम करता हूँ अपना। आई होप ये आप सबको पसंद आएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दैन प्लीज़ हिट अ लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बिकॉज मैं बहुत ही जल्द एक न्यू स्टूडियो में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो उसकी भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा और वो आपको दिखाऊँगा, और वो स्टूडियो काफ़ी बड़ा है वाले स्टूडियोज है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो, और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।